हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज है 20 दिसंबर और सुबह की ठंडक देखिए। इतनी ज़्यादा ठंड, और अभी आए थे छत पे कूड़ा फेंकने, तो ठंड देखी तो बहुत ज़्यादा ठटक। और यहाँ पे ये दही है और इसको फेंट रहे हैं, मतलब इसमें जो गुलथी होती है उसे फेंटने से सही हो जाती हैं। तो यहाँ पे इसे फेंट लेंगे और फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अभी यहाँ पे हमने पानी नहीं डाला था और इसको ऐसे ही फेंट रहे थे। उसके बाद में जैसा भी लिक्विड होगा उस हिसाब से इसमें पानी ऐड करेंगे। अगर ज़्यादा गाढ़ा होगा तो डाल देंगे थोड़ा सा और। और ये बड़ा बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए हमने यहाँ पे दाल को भिगो के पीस लिया था और इसको सिलवट पे पीसा था, क्योंकि मिक्सी के जार में मतलब थोड़ा सा ये जो दाल होता है तो ये पतली हो जाती, तो बड़ा का सेव जो होता है वो अच्छा नहीं बनता है। और इसको हमने पानी में डाल दिया। इससे ये अगर पानी में डालें और पानी ऊपर आ जाए दाल, तो यानी कि ये अच्छे से फिट गया है। और कैमरा वो सॉरी स्टैंड नहीं था तो बड़ी दिक्कत हो रही थी रिकॉर्ड करने में, तो एक हाथ से मतलब रिकॉर्ड करते थे। फिर देख आप लोग तो देख ही रहे हैं। और ये बड़ा है, ये सरसों का तेल हमने डाला था, सरसों के तेल में बड़ा बना रहे हैं। आप जिस भी तेल में बनाना चाहें बना सकते हैं। और दाल जब सिलवट पे पीसी होती है तो उसमें पानी की मात्रा थोड़ी सी कम होती है, तो दाल जो बड़ा का आकार है वो अच्छा बन जाता है। और आज है अगहनी और इसीलिए ये बड़ा बना रहे हैं। और अगहनी के दिन बड़ा बनते हैं, मतलब यही सारे पकवान बनते हैं जो जो आप बनाना चाहें। हम लोग यहाँ तो को बहुत सारे पकवान बनते हैं, तो हमने थोड़े ही से यहाँ पे पकवान बनाए हैं। और बड़ा का कलर जब इस तरीके का हो जाए तो उसमें पानी में एक कटोरे में हमने पानी ले लिया, उसी में हमने इसमें डाल दिया है और थोड़ी देर रख देंगे। और दही फेंटने पे इस तरीके का हो गया। अभी थोड़ा सा गाढ़ा है क्योंकि सारे बड़ा जो भी हैं, और ये हम दो ही लोग हैं उस हिसाब से इतना दही लिए हैं। और उसके बाद में बड़ा जो थे हमारे सारे बन गए थे। यहाँ पे थोड़ा सा मसाला, मतलब काली मिर्च है, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हींग डाल के भून लेंगे और इसको पीस के इसी में डाल देंगे जो दही है इसमें। और धीमी धीमी आँच में इसे भूनना है, फिर इसको पीस लेना है। और उसके बाद में हमने यहाँ पे मसाला को जो पीस के इसी में डाल दिया था। और बड़ा कुछ ऐसे ही, ये शाम का वीडियो है। और उससे पहले हाँ थोड़ा सा हमने पतला कर दिया था क्योंकि बस इतने ही बड़ा थे तो सारे आ गए थे अच्छे से। और उसके बाद में ये यहाँ पे पूड़ी निकाल लें, थोड़ी सी पूड़ी बनाई थी और थोड़े से पुआ बनाए थे, मतलब यही जो भी दो चार चीज़ें बनाई थी। और यहाँ पे ये पुआ बना रहे हैं और ये पुआ इसमें सारे मेवा पड़े हुए हैं और चीनी के हैं ये। बहुत लोग जैसे सबका अलग अलग अपने बनाने का तरीका होता है, तो ये हमारा कुछ इसी तरीके का, मतलब हम ऐसे ही बना रहे थे, मन हो रहा था। और इनको पसंद नहीं है पुआ खाना, लेकिन हमको अच्छे लगते हैं तो थोड़े से हमने बना लिए थे, वही 8-10 पुआ हमने बनाए थे। अपना अपना तरीका होता है पुआ बनाने का, तो इसमें थोड़े से मेवा डाले थे। और ये दोपहर का खाना था और अभी शाम में हमने, क्योंकि दोपहर में इतना सारा बन गया था तो शाम को बनाने का कुछ मन नहीं था। और ये रात में ठंड आग जलाई थी, ठंड ज़्यादा थी। आज बनेगी बिना रबड़ की तहड़ी। चूहा खा गए हैं रबड़। और ये तहड़ी इसको ऐसे ढक के बनानी है आज तहड़ी। और ये काट लिया है टमाटर और मूली।
और ऐसे बनाने में इसे थोड़ी थोड़ी देर पे चलाना पड़ेगा, नहीं तो ये जल जाएगी। तो अब इसका पानी जो है वो सूख गया है और गैस को धीमी कर देनी है। और इसको हमने कवर कर दिया है, अब ऐसे धीरे धीरे करके ये पक जाएगी। और ये जो वीडियो है ये कार्तिक पूर्णिमा का वीडियो था, और मतलब दिमाग से ही बिल्कुल निकल गया था कि ये भी वीडियो हमको डालना है। रिकॉर्ड किया था ये भी, और लेकिन डाल ही नहीं पाए। और फिर जब ये वीडियो एडिट कर रहे थे उसके बाद हमें ये दिखाई दिया वीडियो, तो इसीलिए हमने इसको भी इसी में ऐड कर दिया, क्योंकि ये भी छोटा सा वीडियो था और इसको थोड़ा सा करके मुझे डालना था, लेकिन पता नहीं क्यों यार दिमाग से बिल्कुल हट गया। तो उस दिन होती है तुलसा की पूजा होती है, तो ये छत पर हमने, यहाँ पर वैसे तो गेरू से लिखा जाता है लेकिन यहाँ पे हमें उस टाइम गेरू नहीं मिला था, और ये भी थे नहीं जो मंगवा लेते, तो हम ही सोना थे तो लेने भी नहीं गए। फिर हमने यहाँ पे चावल के आटा से हमने इसको गमले को पोत दिया था, फिर रंग से हमने सीता राम लिख दिया था। और ये छत पे तुलसा का पेड़ है, वहीं पे हम लोग पूजा कर रहे हैं, और बिना स्टैंड के बहुत दिक्कत होती है रिकॉर्ड करने में। और सबसे पहले दिया जला दिया, इसमें उसके बाद में सारी सुहाग बनाया था, खाने में जो भी पकवान मतलब पूजा में जो भी आप हुए हैं वो भी घी के बने, दिया भी घी की जलाई जाती है, और बिंदी थी और फल भी थे, और ये सारा जो लहंगा है वो हमने अभी सिला था, कपड़ा मेरे पास मतलब ऐसे ब्लाउज का रखा होता है, जैसे जो लोग घर पे सिलाई करते हैं बनाना था, उन लोगों के पास एक्स्ट्रा या मतलब किसी भी चीज का अगर मीठा हलवा बनाना चाहे मार्केट से भी मंगवा सकते हैं, ज्यादा लेट हो रहा था पहले से हमारी कोई तैयारी नहीं थी पूजा की, इन्हीं सब को तोड़ के शाम को ही मतलब मन में थोड़ा विचार बनाया और सुबह उठने डाल दिए पूजा कर दिया। तो जो भी पता नहीं यार सबका अपना अपना पूजा करने का तरीका होता, हमारे जो मन में आता बस हम वही पूजा करते हैं, जैसे भी करती हूं बनाया ना, अपने श्रद्धा से करना चाहिए पूजा। और लेकिन इसमें फिर कंडी की आग जला ली थी और छत पे ही रख दी थी तो जल रही थी, लेकिन बाद में धीमा धीमा सा धुआं निकल रहा था, सुलग रहा था। और और उसके बाद पूजा करने के बाद ये ऐसी रही तुलसा मैया हमारी, कुछ इस तरीके से दिख रही थी, अच्छी लग रही थी आज के दिन। और कुछ इस तरीके का रहा हमारा आज का वीडियो, और दिया बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमारा वीडियो कैसा लगा है।